नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेठी में चारागाह की जमीन पर अवैध तरीके से बने मदरसे को जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर ढहा दिया है। मामले की जानकारी आखिरी समय तक तहसील प्रशासन को भी नहीं दी गई, जिसके चलते निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद शांति व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले दो साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी जमीन थी, एनएच से लगी जमीन थी, चारागाह की जमीन थी, बहुत बेशकीमती जमीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, तो न्यायालय से निर्णय हुआ है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन आज सुबह कराया गया, तो उस अवैध निर्माण को राजस्व पुलिस की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना जो है वो जो निर्णय में होगा, न्यायिक निर्णय में होगा, उसके अनुसार लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल मलबा वहाँ पड़ा है, मलबे को साफ कराने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी में ज्ञान वापी का फैसला आने के बाद संतों में खुशी की लहर है। फैसले को लेकर अमेठी के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने इस फैसले को असत्य पर सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से करोड़ों लोगों की आस्था को बल मिला है, साथ ही न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास जगा है। संत समाज इसका स्वागत करता है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। पीलीभीत के वसुंधरा कॉलोनी में सीबीआई के छापेमारी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल एनएचएआई के मैनेजर के घर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसमें 1,70,00,000 रुपए मिलने की सूचना है। वहीं सीबीआई ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कासगंज के अमापुर रोड तिराहे में पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को पकड़ा, साथ ही पुलिस को कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब की 110 पेटी भी बरामद हुई है। पकड़ी गई शराब की पेटियों की कीमत 3,21,000 रुपये बताई जा रही है। सहारनपुर में बंद पड़ी 2 शुगर मिलों को लेकर भाकियों ने महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि पुरानी यूनियन के असल मुद्दों से भटकने के कारण ही भाकियों अराजनैतिक का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान कराना है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने पर भी जोर दिया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि राजनीति से दूर रहकर किसानों की समस्याओं को हल कराना संगठन की प्राथमिकता है। अगली खबर एटा से है। अलीगढ़ के एटा चुंगी चौराहे पर बनने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध में आज व्यापारी और क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और कॉल विधायक अनिल पराशर के कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने विधायक पर नाम मिलने के आरोप लगाते हुए विधायक के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि विधायक से कई बार मिलने के लिए वक्त लिया गया है, लेकिन विधायक मिलना नहीं चाहते। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर की नगर पालिका गौशाला का राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने निरीक्षण करते हुए गौशाला में गोवंशों के भरण पोषण के लिए भूसा चारा पानी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने गोवंशों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गोवंशों के स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उनको उचित समय पर उपचार दिया जाए। अगली खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग नकली नोट छाप कर बाजार में असली नोट के रूप में चलाकर बड़े स्तर का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 53,000 नकली नोट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही नोट छापने वाली मशीन भी जब्त कर ली। हरदोई के 3 अलग अलग थाना इलाकों में लाइव पिटाई और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में एएसपी ने बताया कि 3 जगह मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस इन सभी मामले में कार्रवाई कर रही है। पिटाई का पहला वीडियो अतरौली के श्यामदासपुर का है, जहां प्रधान के बेटे से कुछ युवतियों ने मारपीट की। वहीं दूसरा वीडियो नरसियोली डामर का है और तीसरा मामला बांसा गांव का है, जहां कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग से मारपीट की। जनपद के 3 थाना क्षेत्रों मल्लावा, अतरौली और लोनार में ये एक मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें मल्लावा और अतरौली में मेनली मारपीट का है, तथा जो नसौली डामर थाना लोनार है उसमें वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि वहाँ कुछ फायरिंग की भी शिकायत आई है।
पुलिस सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और सभी में मुकदमा पंजीकृत है, आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर सहारनपुर से है। भारतीय किसान संघ की एक बैठक आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी ने बताया कि बैठक में भारतीय किसान संघ से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा है। आज मामला यह है कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश कम वर्षा होने के कारण सूखे की चपेट में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे के तो आदेश कर दिए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो सही से सर्वे करके सही रिपोर्ट दें, क्योंकि सूखे के कारण गन्ने की जो फसल है उसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं और धान की फसल भी झुलसे रोग से चौपट हो गई है। इससे गन्ने और धान की लगभग 40% उत्पादन में प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो सूखे का जो समय है, इस समय का बिजली के बिल और कृषि ऋणों का जो ब्याज है, इनमें माफी की योजना से जो है किसान को तत्काल राहत दी जाए। खबर देहरादून से है। UKSSC मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है। CM धामी ने कहा कि UKSSC को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फूल प्रूफ बनाया जाएगा। इसी कड़ी में UKSSC में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत उन्हें उनके पदों से हटाया भी गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देर होने के चलते ओवरएज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में जल्द ही निर्णय लेगी। वहीं CM के बाद UKSSC के सचिव SS रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग में कई ऐसे पद और कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसे में आयोग की छवि को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी था कि आयोग को रिसफल किया जाए। क्योंकि लोगों का ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी और मैं समझता हूँ कि एक दशक से ज़्यादा हो गया, लगातार इन भर्तियों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हमने कहा है कि आगे भविष्य में कोई भी गड़बड़ी न हो, किसी भी सेक्टर में न हो, कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास डगमगाया है आने वाले समय के लिए, वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। हमें पहले से ही जब हम गए तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो है चेंज करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि पूरे आयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत ये समझी गई कि भाई आपने जो है, चलो सचिव भी हट गए, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया और एग्ज़ाम कंट्रोलर रिटायर हो गए थे, लेकिन बेसिक चीज़ है आयोग में जो है जो काम होता है वो नीचे के कर्मचारी ही करते हैं, तो वो सब एज इट इज़ थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो जहाँ पे लंबे समय से काम कर रहा है उसको जो है रिशफल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो आपके, जो आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी जो है सेटअप हुई है, तो ये तो आप मेरे ख्याल से कल परसों की बात होगी। मैं ये आदेश 5 तारीख को ही कर चुका हूँ और 5 तारीख को ही मैंने जो है, जो जिन पे जो है ज़्यादा एलिगेशन लग रहे थे कि ये उसके लापरवाही के, तो उनको मैंने वो की जो की पोस्टों पर थे और वैसी जगहों पर थे, परीक्षा जैसी जगहों पर। मामला ऋषिकेश से है। PCS परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस फैसले के बाद महिला अभ्यर्थियों के भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है। इससे नाराज होकर राज्य के 13 जनपदों की सैकड़ों महिला अभ्यर्थी आज ऋषिकेश पहुंची। सभी ने शहर में रैली निकालकर सरकार से मामले में अध्यादेश जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो महिला अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश के एम्स में पुलिस के शिवाजी नगर में परचून की दुकान पर शराब बिक्री के खिलाफ स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने दुकान पर हंगामा करते हुए दुकानदार को खूब खड़ी खोटी सुनाई। मौके पर पार्षद जयेश राणा भी पहुंचे। उन्होंने दुकान मालिक को बुलाया, साथ ही शराब बिक्री की जानकारी देते हुए दुकान खाली कराने के लिए कहा। इस दौरान शराब की अवैध बिक्री करने वाला दुकानदार लोगों की भीड़ के आगे बहस करता हुआ भी नजर आया। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच दुकान मालिक ने दुकान खाली कराने के लिए 1 दिन का समय मांगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि दुकान खाली नहीं कराई गई तो स्थानीय लोग मिलकर कोतवाली पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे। यमुना घाटी में व्यापारियों के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा समेत प्रदेश के अन्य पदाधिकारी आज यमुना घाटी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने नैनबाग से शुरू करते हुए डामटा, बर्नीगाड़, लाखा मंडल, बड़कोट और पुरोला में व्यापारियों से मिले और नौगांव स्थित ब्लॉक सभागार में कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिला स्तर
मैं जिलाधिकारी व्यापारियों के साथ व्यापार मित्र मिशन के तहत समस्याओं को सुनेंगे और बड़ी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने फेरी व्यापार को व्यापारिक प्रभावित के साथ सामाजिक क्षति भी बताया, जो चैलेंज के रूप में ग्रामीणों के सामने भी है। इस दौरान यमुना घाटी की नगर इकाइयों ने अपनी समस्याएं भी बैठक में रखी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।